अभी हम खड़ा है बिहार के उस बड़े और बेगरत यूनिवर्सिटी के सामने। इक्कीस वाला सेशन से हूँ फर्स्ट ईयर में, 22 वाला हूँ फर्स्ट ईयर में, सब फर्स्ट ईयर में है, ऐसा हाल कर दिया मगध यूनिवर्सिटी के। तो बॉयकट कीजिए, खाली फिल्मिया के बॉयकट कीजिएगा की सब नेता मन के भी बॉयकट। बहुत सही, क्या नाम है आप? इतना बेगरत बिहार का लड़कन भी है ना कि कुछ तो इंस्टाग्राम पे पतली कमरिया हाय हाय करने में लगल है और कुछ यह पठान मूवी का विरोध करने में लगल है और बच्चा खुचा बिछौने वाले के सुतल है। कौन सा अच्छा भतीजा है? आप कॉमर्स से सुन लो, शादी भी हो जाएगा तो बालो बच्चा देगा, हम लोग जान देंगे। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठ जी, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी हम खड़ा है बिहार के उस बड़े और बेगरत यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी के सामने जिसका एक भी एग्जाम कायदे से तरीके से सेशन के अनुसार कहीं ना नहीं होता है। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पास करते हैं तो कैसे करते हुए एवन भरोसे, जो भी एग्जाम होता है उसमें अगर गेस पेपर ले जाने की छूट ना हो तो यहाँ का 60-70% बच्चा फेल ही हो जाए। ये हालात है इसकी पढ़ाई की। और अब बात करते हैं सेशन की, जिस सेशन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आके देख लीजिए, ये मगध यूनिवर्सिटी का गेट है और सामने लड़के बैठे हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी के 17, 18, 19, 20 सेशन के लड़के हैं। देखिए, कुछ साथी लोग हम लोग के हैं जो 17-20 के सेशन के हैं। अप्रोक्स 12,000 से 15,000 छात्रों को फेल कर दिया गया है जो अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। और हम लोग हैं कुछ, हमारा साथी लोग हैं जो 18-21 के, हम 18-21 के सेशन। आपका कितना एग्जाम हुआ है आपका? हमारा पार्ट वन एग्जाम हुआ, पार्ट वन का रिजल्ट हो गया। चलिए, पार्ट वन का भी रिजल्ट एग्जाम कब हुआ? 21 में हुआ, पता है, 21 जनवरी में। अब पार्ट टू का एग्जाम हुआ अगस्त में। जिस 21 में 18-21 सेशन है, जिस 21 में डिग्री मिल जाना चाहिए उसमें पार्ट वन का एग्जाम, पार्ट वन का एग्जाम हुआ। और जब पार्ट वन का एग्जाम हो गया तो उसके बाद पार्ट टू का एग्जाम हुआ। पार्ट टू का एग्जाम हुए 15 महीना हो गया, 15 महीना में अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। मगध यूनिवर्सिटी के सब बोल रहे हैं स्टाफ लोग की कॉपी चोरी हो गया। एक आर के सिंह वीसी नियुक्त किए गए थे, वो डायरेक्ट बोले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वर्षगांठ का सम्मेलन चल रहा था उसमें कि कोई वहां पे काम नहीं करते हैं। और अब जब हम गए रिजल्ट के बच्चों को कि रिजल्ट दिया जाए, जब गए रिजल्ट रूम में जहाँ कॉपी रखा था तो वहाँ देखे कॉपी ही नहीं है, बताइए। तो वो ये उस यूनिवर्सिटी का हाल है जिसने क्या कहा चुन जानते हैं। जब भारत का सारा यूनिवर्सिटी कोरोना काल में अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर रहा था तो ये एग्जाम ले रहा था और एग्जाम ले रहा था, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। लेने का कारण है भैया, एग्जाम क्यों ले रहा था? जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि प्रमोट कर दीजिए, कोरोना के वजह से दिक्कत हुआ था, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी वाला जो स्टाफ है साला एग्जाम लिया क्यों लिया? कि सब लोग फॉर्म भरेंगे, पैसा आएंगे, इसलिए सिर्फ करप्शन के लिए इन लोग एग्जाम लिया। अरे अभी भी डिग्री दे दीजिए भैया, पार्ट वन में जो चोरी हो गया, पार्ट वन में हम लोग का जो नंबर आया ना उसी के अनुसार नंबर दे दीजिए, पार्ट टू में, पार्ट थर्ड में दे दीजिए। हम लोग का 20-23 का सेशन है, अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, देश पूरने वाला है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। हम लोग क्या करें, बुढ़ा जाएंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे? सुने, बाल बच्चा एग्जाम देगा हम लोग के? शादी भी हो जाएगा तो बालो बच्चा देगा, हम लोग एग्जाम देंगे? 20-23 का सेशन। आप कितने सेशन के? देखिए, ये 18-21, ये 19-22 और फिर आप 20-23। अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, 23 वाले का फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ, 19-22 वाले का कितना एग्जाम हुआ? एक ही एग्जाम हुआ, फर्स्ट ईयर का पढ़ाई भी करवा दिया है। कौन सा अच्छा भतीजा है? एक साथ पढ़ रहा है। आप कॉमर्स सेशन में हैं? हम 20 से 20 वाले में, और आप 19 से 22 हैं। चाचा भतीजा है आपके चैनल के माध्यम से सब छात्र जो नेता है ना उनको विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि भैया जब पटना से कोई भी नेता यहाँ आते हैं या मगध के नेता कोई मीटिंग करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसमें आप नहीं जाइए, उसको बॉयकट कीजिए, खाली फिल्मिया के बॉयकट कीजिएगा कि सब नेतमन के भी बॉयकट कीजिए। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है। सौरभ जी, बहुत सही बोले, इतना बेगरत बिहार का लड़कन भी है ना कि कुछ तो इंस्टाग्राम पे पतली कमरिया हाय हाय करने में लगल है और कुछ यह पठान मूवी का विरोध करने में लगल है और बच्चा खुचा बिछौने वाले के सुतल है। यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट में इतने सा लड़का प्रभावित है, इसे क्या गो लाठी, यहाँ 10 गो लाठी चलेगा? यहाँ देख लीजिए, पुलिस वाले को दिखाइए, यहाँ ब्लू एक्शन में रैपिड एक्शन फोर्स है, इनको ऑर्डर आएगा 10 मिनट में लाठी चलेगा, खदेड़ दिए जाएंगे। ये स्थिति है यहाँ के लड़कों के भी, बाल बच्चा जो यही मगध यूनिवर्सिटी में है,
इन लोग का भी सोचना चाहिए। क्या कीजिएगा भैया, उनकी भी नौकरी है, आपको पता है, उनका ऑर्डर आता है, उनकी ड्यूटी है, क्या कीजिएगा। देखिए कहाँ 16, 19, 17, 20, 18, 21 जोड़ते रहिए, 19, 22, 20, 23, 21 अभी 21 चल रहा है, 21 में एडमिशन हो गया अभी, जहाँ 21 में पार्ट 1 का एग्जाम हो जाना चाहिए ना जी, कोई मतलब नहीं है। 20 वाला सेशन से तुम कौन ईयर हो, तो फर्स्ट ईयर में, 21 वाला सेशन से हो फर्स्ट ईयर में, 22 वाला हो फर्स्ट ईयर में, सब फर्स्ट ईयर में है, ऐसा हाल कर दिया मेगा यूनिवर्सिटी के बाल बच्चा सब फर्स्ट ईयर में है, समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी जानते हैं, समझ में आना बंद हो गया कि मगध यूनिवर्सिटी के हरकतों पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। क्योंकि एक साल से बिना बीसी का विश्वविद्यालय चल रहा है, क्या कोई भी पद या मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, बिना पद का वो लोग रहेंगे, बिना मुख्यमंत्री का चलेगा बिहार, बिना प्रधानमंत्री का चलेगा। मंत्री बिहार के क्या कहते हैं आपको मालूम है, हमारे मीडिया साथी के कैमरों पे कल ही वाइट दिया है, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एक दिन पहले, कि हम पैसा देते हैं, फंड देते हैं, लगातार उनकी जवाबदेही है राज्यपाल के प्रति है, और राज्यपाल जी बिहार के महामहिम क्या करते हैं, आप कोई काम वाम है आपका कि राजभवन में ऐस काटना है सिर्फ? महामहिम पे लोग जनरली सवाल नहीं उठाता, लेकिन मैं उठा रहा हूँ क्योंकि जरूरत है सर। अब आपने छात्रों का, बिहार के छात्रों का भविष्य झंड करके रखा हुआ, झंड। ये देखिए यहाँ पे हमको तो लगता है ना भैया, 1993 में नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया ना बख्तियार खिलजी, हिंदू लोग जला देगा मगध यूनिवर्सिटी, ये भी खंडहर बन जाएगा एक दिन, देख लीजिएगा, इसको नाम निशान मिट जाएगा इसका, इतना दिक्कत हो चुका है हम लोग को, बताइए। हम तैयारी करते हैं, हम युवा हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, बीएससी एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, और आपको पेंडिंग है, और आपका एज अभी कितना हो रहा है? अभी मेरा 23 हो रहा है, 23 हो रहा है, जब मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल करेंगे तब तक इनका एज 26-27 हो जाएगा, 26-27 हो जाएगा, घर से भी प्रेशर बढ़ने लगेगा, वैकेंसी आने नहीं लगेगा, तैयारी होगा, एक आध एग्जाम में नहीं निकला तब तक एज खत्म। मतलब मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का हाल ये है कि एक अगर कम्पिटेटिव एग्जाम वो दे देता है ग्रेजुएशन लेवल का, उतना तक उसका एज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी हालात ऐसी है कुछ। अब इस बाद इतने प्रॉब्लम के बाद एक छात्र को क्या करना चाहिए, हमें आप जवाब दीजिए, पूरे बिहार के नेता लोग, पब्लिक लोग, जो लोग एकदम धर्म वाली चरस पी के और जो सोए हुए हैं ना, पठान मूवी का विरोध इतना सीरियस होकर कर रहे हैं, कभी इन लड़कों का साथ दिया होता तो काम आ गया होता। आप लोग सब कहाँ से आए हैं, सब आप लोग गया के हैं, सब लोग आप कितना सेशन के? मेरा 19 से 22 सेशन है, 18 वाला क्लियर नहीं हुआ, ओएमआर सीट का एग्जाम होता था, अभी तक कितना रिजल्ट नहीं जारी किया, हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कितना फॉर्म चला जा रहा है, 19 सेशन कितना वाला एग्जाम, पार्ट 2 तक हुआ आपका, पार्ट 1 का हुआ, उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ, पार्ट 1 का रिजल्ट भी नहीं हुआ, उसका रिजल्ट भी नहीं दिया अभी तक, 22 साल उम्र हो गया अभी तक पार्ट 1 में है, अब 28 साल में फाइनल करेगा, 28 साल में पढ़ेगा ग्रेजुएशन, कितना सेशन के हैं आप? 18-21 सेशन के हैं, अभी पार्ट 2 के एग्जाम नहीं पड़ा है, पार्ट 2 का रिजल्ट आया, 1 के तो एग्जाम नहीं दिया, वह रिजल्ट नहीं दिया, पार्ट 1 का रिजल्ट भी नहीं दिया। क्या कहें, हंसी आता है, अब करें क्या इसके हालात पे, कि यहाँ पे 18 वाला भी पार्ट 1 में, सही कहा भाई ने कि 18 वाला भी पार्ट 1 में, 19 वाला भी पार्ट 1 में, ध्यान दीजिए कि बर्बाद छात्र को दर्शाइए।